हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आ चुकी हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं चावल के लड्डू, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी चावल को अच्छे से धुल लिया है और धूप में सुखा लिया है। 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से सूख जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। जितना चावल है उसका 1.5 गुना हमें गुड़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी सी मिठास आए इसके लिए हमें 1.5 गुना गुड़ लेना है। आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं। चीनी आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम चावल को रोस्ट करेंगे। तो चावल को रोस्ट करते वक्त ही इसके अंदर डालेंगे छोटी इलायची और काली मिर्च। तो पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखना है। स्लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें इसे 5 से 7 मिनट तक भुनना है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है। 2 मिनट मैंने पहले ऐसे चावल को ही भुन लिया, उसके बाद हम इसके अंदर छोटी इलायची और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसे लगातार चलाते रहें ताकि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं भुनते हुए इसको। तो अब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे छोटी इलायची और काली मिर्च। इसका जितना फ्लेवर आपको पसंद हो उतना ही आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन चावल के लड्डू में ना गोल मिर्च और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप एक बार इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे ट्राई कीजिएगा। इसे हम इसके साथ ही अच्छे से भून देंगे ताकि ये भी पिसे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में आ जाए। इस तरीके से इस रेसिपी को कितने लोगों ने ट्राई किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिसने भी ट्राई नहीं किया है इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आपने न्यू विजिट किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को यहाँ से कर लेना है प्रेस, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक और आप पहुँचो हमें सपोर्ट करने हमारे चैनल पर। प्लीज़ आप सभी अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रहें। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ इसे भुसुआ के नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चावल बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसे पीस नहीं सकते। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसका पीस कर हम पाउडर बना लेंगे। मार्केट में इतनी सारी मिठाइयाँ मिलती है ना कि पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। हमारी दादी नानियाँ ये रेसिपी ट्राई किया करती थी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो जब तक देखिए चावल ठंडा हो रहा है, तब तक सेम कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 कटोरी पानी गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। गुड़ की चाशनी क्यों कह रही, क्योंकि हमें गुड़ का पाग नहीं बनाना, चाशनी बनानी है। पानी में गुड़ को बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट होने देना है और इसको चिपचिपा टेक्सचर आने तक पकाना है, उसके बाद इस गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो गुड़ की चाशनी हुई ना चाशनी। अगर आप चीनी की बना रहे हैं तो चीनी की भी चाशनी आपको चाशनी बनानी है, ताड़ वाली नहीं बनानी है। सिर्फ चीनी को पानी के साथ मेल्ट होने देना है और उसका चिपचिपा टेक्सचर आने तक उसको पकाना है। तो जब तक गुड़ मेल्ट हो रही है इसको हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो 2 से 3 बैचेस में इस चावल को हम पीस कर तैयार कर लेंगे। चावल को पीसने के बाद इसका पाउडर बिल्कुल आपको मार्केट में मिलने वाली महीन वाली सूजी होती है ना, उस तरीके से दिखेगी। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है इस तरीके से। 3 बैचेस में ये सारे चावल हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट और फ्लेवर ऐड करने के लिए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने डाला है 4 चम्मच डेसिग्रेटेड कोकोनट। जब दादी नानियाँ बनाई करती थी वो गोल मिर्च और छोटी इलायची के साथ ही बनती थी, उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला करती थी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको टेस्ट अलग देना चाहते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड किया। साथ में 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद तिल। इसको मैंने रोस्ट करके रखा है, उसको ऐड किया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में डालेंगे पिस्ता की कतरन। तो जितने अमाउंट आपको डालनी हो ड्राई फ्रूट्स की आप उतनी ही डालें। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाला है पिस्ता, साथ में डालेंगे थोड़े से चॉप किए हुए काजू। इसको बहुत ही बारीक किया है ताकि हम जब लड्डू की बाइंडिंग करें ना तो बहुत अच्छे तरीके से गोल गोल लड्डू बना पाए। तो इसको बहुत महीन वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट किया है। तो ये देखिए साथ में डाल दिया हमने बादाम की कतरन। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम घी। घी से क्या होगा कि इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, इसमें टेस्ट भी बढ़ेगा और लड्डू सॉफ्ट भी रहेंगे। कितनी बार होता है ना कि जिस दिन आप लड्डू बनाओ वो लड्डू सॉफ्ट रहती है और दूसरे दिन वो इतनी हार्ड हो जाती है ना कि मत ही पूछो। तो इस वजह से इसके अंदर हम डालेंगे घी। तो 2 बड़ा चम्मच हमने डाला है घी। घी अगर मेल्ट हो
तो आप 3 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 चम्मच हमने डाला है घी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले तो मैंने इसको स्पून से मिक्स किया, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना था तो मैंने हाथों से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी उसके बाद हम गुड़ की चाशनी थोड़े थोड़े अमाउंट में डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका टेक्सचर आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। गुड़ की चाशनी इसमें एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़े थोड़े अमाउंट में गुड़ की चाशनी डालें और उसके बाद इसे मिक्स करें। तो ये देखिए चम्मच का काम हो गया है ख़त्म। मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया हाथ से ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि घी भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, इसके अंदर फ्लेवर ऐड हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इधर गुड़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो आइए चेक कर लेते हैं गुड़ की चाशनी। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको चेक कैसे करना है, बहुत ही सावधानी से चेक करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको इस तरीके से अगर हम टच करेंगे ना तो ये चिपचिपा फील होगा, लेकिन इसके अंदर एक भी तार नहीं बन रही है, ये देख सकते हैं आप। इसको और ज़्यादा पकाएंगे तो ये गुड़ का पाक तैयार हो जाएगा। तो अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद और थोड़े थोड़े अमाउंट में ये गुड़ की चाशनी हम इस मिक्सचर के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ सारा मिक्सचर हमें नहीं डालना है, तो थोड़ा सा हमने डाला है गुड़ की चाशनी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चीनी की चाशनी भी इस तरीके से थोड़े थोड़े अमाउंट में डालकर ही मिक्स कीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने और डाल दिया है गुड़ की चाशनी और इसको फिर से मिक्स करेंगे। गुड़ की चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके लिए इसको मैं अभी स्पून से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तब हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे। छोटे बड़े ये साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको छोटे लड्डू बनाने हैं या बड़े लड्डू बनाने हैं। इस डो को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही मैं गुड़ की चाशनी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा गर्म ही रहेगा ना, तब भी हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। इस तरीके से मिक्स करते जाना है, लगातार चलाते हुए मिक्स करें ताकि ये ठंडा भी हो जाए। इस तरीके से इस लड्डू की रेसिपी को जो भी ट्राई करे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा और रेसिपी को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए अब इसके अंदर चाशनी हम ऐड नहीं करेंगे, इस तरीके से इसको बांधेंगे ये बंध जाए। तो ये डो परफेक्ट तैयार है। अब इसको हम हाथ से छोटे बड़े साइज़ के लड्डू जो भी आपको बनाने हो उस तरीके से इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में मिल जाए। आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो इसमें आप इस वक्त 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके हम लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और आप इस लड्डू को बनाकर 1 से 1.5 महीने तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और घर में पड़ी हुई आसान चीज़ों के साथ ये बहुत ही बेहतरीन चावल के लड्डू बनकर तैयार है। इस तरीके से इस लड्डू की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए आपके घर में ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मार्केट में बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती है, लेकिन ये जो मिठाइयाँ जो हम घर में बनाते हैं ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि ये पुराने ट्रेंड में चली आ रही मिठाइयाँ हैं। तो इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके हमने लड्डू बना लिए हैं, ये 1 कटोरी चावल से बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे आप एयरटाइट बॉक्स में भरकर रख लें, 1 से 1.5 महीने तक इस लड्डू को आप खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें, इंजॉय करें। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और ये देखिए मैं आपको इस लड्डू को तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है क्योंकि ये आज बनी है और कल भी मैं आपको इसको तोड़ के दिखा दूंगी। तो ये देखिए कल की वीडियो है, इसको मैंने तोड़ कर दिखा दिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है। इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।